ओ काम के फकीर का, ये पंडित जी ने बहुत पुरानी रागनी और बिना रंग सुना सुनाया जी साहब ही मारे आज से हम सुनावांगे। कि द्रौपदी को दासी देख को कीचक उसके ऊपर आशिक होया मोहित होया, वो रोज हरकत ला गया करे। एक दिन उस द्रौपदी का गुस्सा बना और उस गुस्से गुस्से में उस भीम बलि के पास चली गई। न्यू कर लागे बोला भीम, भीम लंगोट बांध के ना लाग रहा कसरत करण। बोला सुनिए, बोला हाँ, बोला बात सुने, तुम मारे जाइए दंड बैठक और इस गदाने ले घूमे जाइए मैं लमा किचक तीन पांच करण हो रहा था। फिर इस गदाने कोई नहीं बुझा करता है। भीम ने बात सुनी नो कर लगा कर बावली, मारा 13 साल है ज्ञात और से चौपचाला काटना है। अगर जो उन कैरों को पता चल गया तो 13 के 26 हो जाएंगे, बोलना मतना। उस किचक के बारे में तू बता रही, उस किचक ने मैं पक्का मारूंगा, तेरे से आज वादा करूं हूं। मो किचक ने नहीं छोड़ा करता, पर समय समय का मोल होया करे, समय देख कर चलना पड़ेगा। नौका आग्रह किए 4 चीज बिना मारे नहीं मरा करती, कौन सी? चिंता, दुविधा, मन और दुश्मन। ये 4 चीज इसी से मानस ने सुते न ठा लिया करे हैं। ये 4 चीज मारनी पड़ा करे हैं जब जाकर आदमी पारस का आया करे। तू खाम खा बावली हो रही से। अब इतनी बात उस द्रौपदी के जब दिमाग में गई, बोला ठीक कह रहा है भीम भी, मजबूरी है। वापिस उस सुदेशना के महल में आ गई, लेकिन वो किचक उसकी ताक में नहीं खड़ा पाता। एक दिन उस किचक तो डटा नहीं गया और अपनी बहन सुदेशना तो नहीं लगा का है। बोला हाँ, या इतनी सुथरी और तू इसने दासी बना रही, या दासी बनने के योग्य नहीं? बोला और? बोला तू इसने मेरी गिला करी, या तो रानी बनने के योग्य है। नो कह लगे भाई तू राजा या दासी, बेरानी मार दो रही, इतनी कितनी दासी है, तू इसी बात क्यों करने लग रहा? बोला मेरी बात सुन ले, के एक बात के द्वारा वो किचक अपनी बहन सुदेशना ने यूं कह लग गया। वो है उसका राम
Yeah.
और तू एक लुगाई के चक्कर में जवानी ने बर्बाद करता फिरे से। एक बदलती तो फिर बावड़ी दौड़ती नहीं आवाजी। हमने तो तेरे कान देखे बिना सरता कोना, पर तुम्हारे कान इतना कड़वा लखान की चाल कर ना हम भी लाचार होली। मारे बस की बात नहीं रही। कैसे वो पनिहारी आखिर में क्या कहती, क्या बताया।